गुरु गोविंद सिंह के 352वें प्रकाश पर्व पर पटना सिटी तैयार है। शुक्रवार शुरू होने वाला प्रकाश पर्व 14 जनवरी तक चलेगा। पटना के डीएम कुमार रवि ने प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ गुरुवार को पूरे दिन कंगन घाट स्थित निर्मित टेंट हाउस से लेकर गुरुद्वारा तक मॉनिटरिंग की। उन्होंने बताया कि 12 जनवरी की दोपहर 2 बजे गाय घाट से नगर कीर्तन निकलेगा, जो अशोक राजपथ होते हुए रात 9 बजे तक श्री हरिमंदिर साहिब पहुंचेगा। इसे लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पूरे इलाके की मॉनिटरिंग 100 सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है। वॉच टायर व पब्लिक एड्रेस सिस्टम से भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है। शुक्रवार की सुबह पंजे प्यारों की अगुवाई में बड़ी प्रभात फेरी के साथ प्रभात फेरी का समापन और 3 दिवसीय प्रकाश उत्सव का आगाज हो जाएगा। तख्तश्री हरिमंदिर साहिब व वाला लीला गुरुद्वारा में मत्था टेकने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही है। अधिक भीड़ लीला गुरुद्वारा में दिखी। कंगन घाट टेंट सिटी में मिनी पंजाब सा नजारा है। लंगर की व्यवस्था के बीच संगत के आने का सिलसिला जारी है। सुरक्षा ऐसी कि टेंट सिटी के हर कॉटेज में पुलिस का पहरा है। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और ड्रोन से भी निगरानी हो रही है। Oh,